डॉक्टर साहब। हाँ जी, कैसे हैं आप? देखिए अभी के अभी आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से निकलिए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हमें आप लोगों से खतरा है, हमारे बिल्डिंग वाले भी कह रहे हैं कि भैया इनको बाहर करो क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग को इससे खतरा ही है। रात को कहाँ जाऊंगा सारा सामान लेके? अरे हमें क्या पता यार, कहीं भी जाओ आप, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लो, आप यहाँ से प्लीज चले जाओ। घूम रहे हो ना उनके साथ में, उनको ट्रीट भी कर रहे हो कोरोना वाले मरीजों को। हम अपनी जान दांव पे लगा के देश के लिए आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। हमारी क्या गलती है? हमें क्या शौक है मरने का? हमारे घर वालों को रिस्क नहीं है? भगवान न करे अगर आपके घर में आपको या किसी और को कोरोना हो जाए और आप अस्पताल में जाओ और वहां पर हम मना कर दें कि आपको कोरोना है, हम तो आपके सामने आएंगे नहीं। आप कहां जाओगे? कौन बचाएगा आपको? जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए आप ताली बजाइए, उनके लिए आप थाली बजाइए। किस लिए कर रहे थे आप वो? इसलिए ताकि आप हमें अपने घर से निकाल सके? इतने बड़े हिपोक्रेट हैं आप, कुछ कहने की हद नहीं। शर्म आनी चाहिए आप सबको। अगर सारे डॉक्टर घर पे बैठ जाएं तो कौन इलाज करेगा जो पेशेंट्स होगा? सर अपने बारे में सोच तो, इतना ज्यादा सेल्फिश हो आप। हम जहां जाते हैं, जिस बिल्डिंग में जाते हैं, लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे पता नहीं कोई कौन आ गया हो। हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन हम अपनी जान से पहले आपकी जान के बारे में सोच रहे हैं और आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मुझे आप रात को घर से निकाल रहे हो, मैं कहां जाऊंगा? सोचा आपने? रात के 2-2 बजे आके आप मेरा दरवाजा खटकाते हो, कहते हो बेटा मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दवाई चाहिए। मैंने तो कोई मना नहीं किया, और मैं सिर्फ नहीं, सब डॉक्टर करते हैं। ठीक कह रहे हो बेटा, जब जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुमने हमारी मदद करी है, और इस टाइम पे भी तुम डॉक्टर लोग ही हम सबको बचा रहे हो। आप भी तो हम लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपनी जान को खतरे में डाल के। वाकई हम बहुत सेल्फिश हो गए थे जो अपने बारे में सोच रहे थे। वी आर वेरी सॉरी बेटा। और हम कितने हिपोक्रेट हैं कि एक तरफ तो हम थाली बजा रहे और एक तरफ हम आपको घर से निकालने की बात कर रहे थे। हमारी सोच कितनी छोटी है कि जो हम खाली अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोचते हो, और आपकी सोच कितनी बड़ी है जो आप पूरे देश की हेल्प कर रहे हो और पूरे देश के बारे में सोचते हो, और हम लोग देखो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कितने सेल्फिश हैं हम लोग। दिन रात काम कर रहे हो बेटा, दिन रात काम कर। जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है बेटा, तुम्हें किराए के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा एक छोटा सा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि तुम्हें किराया देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और खाना जब भी तुम आओ हम तुम्हारे लिए तैयार रखेंगे। तुम्हारे जितना तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे जो छोटा मोटा बन पड़ेगा हम भी करेंगे। बेटा तुम लोग हो तो हम लोग हैं। आंटी कितना अच्छा, अगर आपकी तरह सब सोचें और हमारा साथ दें, इस तरीके से आप सब हमारा साथ देंगे ना, तो कोरोना को तो हम ऐसे ही हरा देंगे।